नमस्कार, यदि रॉयल एनफील्ड की आप क्लासिक बाइक पसंद करते हो और उसे लेना चाहते हो, ये आपके लिए सबसे अहम वीडियो साबित होगा। इसमें मैं आपको टोटल 7 कलर नहीं, टोटल 11 कलर जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्लासिक 350 में मौजूद है, उन सभी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा मुझे बाइक लेना चाहिए, कौन सा बाइक हमारे लिए बेहतर होगा, कौन सा नहीं सही है, कौन सा सही है, कितने बजट में कौन सा आ जाएगा, क्या माइलेज है, क्या फीचर्स है, सही कौन सा पड़ेगा, ये सब कुछ मैं आज सटीक जानकारी के साथ दे दूंगा। जो 99% लोग कंफ्यूज है कि मुझे कौन सी बाइक इसमें लेनी चाहिए, तो आइए मैं आप सभी को फटाफट बारीकी से बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस क्लासिक में टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में 11 कलर मौजूद है। अब 11 कलर कौन कौन से, पहले उसके नाम जान लीजिए, देख लीजिए कैसा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लेना सही पड़ेगा। सबसे जो पहला कलर आप सभी के सामने है वो यहाँ पे एमराल्ड है, जो कि न्यू बाइक आप सभी के सामने लॉन्च कर दी गई है। ये एमराल्ड कलर, ये टॉप वेरियंट की सबसे महंगी बाइक इस समय क्लासिक 350 की सबसे महंगी बाइक है। इसके बाद जो आती है सेकेंड टॉप वेरियंट में, वो आती है स्टिल्ट ब्लैक, जो कि फुल्ली ब्लैक कर दी गई है और इसमें टोटल फीचर्स भी ऐड कर दी गई है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। देन इसके बाद गन ग्रे देखने को मिल जाएगा, सेम वही आपको स्टील ब्लैक की तरह मिलेगा, बस इसमें थोड़ा सा कुछ अलग अंतर है, वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। देन इसके बाद जो कलर आती है वो है कमांडो सैंड, ये भी आपको न्यू क्लासिक में देखने को मिल जाएगी, अभी ये लॉन्च कर दी गई है। इसके बाद मेडोलियन ब्रॉन्ज, ये भी आपको नई कलर आ जाएगी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये भी देखने को आपको लुकिंग के साथ ये मिल जाती है। देन इसके बाद जो कलर आती है वो है जोधपुर ब्लू, ये जो कलर है ये भी बहुत ही अच्छी शाइनिंग के साथ देखने को मिल जाती है, इसके नाम भी आप देख लीजिए। देन बात करते हैं मद्रास रेड, तो यहाँ पे जो भी मैंने अभी 7 कलर दिखाए हैं, ये न्यू अभी लॉन्च कर दी गई, ये 7 कलर मैंने आपको दिखा दिए। अब बात करते हैं 4 जो कलर अभी पुराने बचे हुए हैं, जिसे डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, वो कौन से, पहले वो भी समझ लीजिए, उसके बाद हम कौन सा लेना सही पड़ेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कलर आ जाता है वो है रेडिच ग्रे, यदि आप ग्रे कलर के साथ जाना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, ये अभी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। देन इसके बाद रेडिच के कैटेगरी में रेड भी देखने को मिल जाएगी, रेडिच रेड, ये भी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी आगे चर्चा करेंगे। देन हेल्कन ब्लैक, ये भी हेल्कन ब्लैक शाइनिंग ब्लैक के साथ देखने को मिल जाएगी, ये सिंगल चैनल के साथ, जितना भी अभी मैं दिखा रहा हूँ सिंगल चैनल है, लेकिन ये डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, आप इसे ले सकते हैं, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देन हेल्कन ग्रीन, जिसे ग्रीन पसंद है वो ले सकता है, सबसे कम प्राइस में आपको हेल्कन की कैटेगरी देखने को मिलेगी, हेल्कन ब्लैक, हेल्कन ग्रीन, सबसे कम प्राइस में क्लासिक में यही दोनों बाइक मौजूद है। कौन सा लेना बाइक सही पड़ेगा, कौन सा नहीं सही पड़ेगा, तो देखो भाई, बाइक तो सभी सही है, क्लासिक 350 में सभी बाइक सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी बजट कितनी है, आपके बजट के अनुसार कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपको मैं अब बता देता हूँ। देखो भाई, यदि आपके पास अच्छी बजट है, मतलब आप क्लासिक 350 का टॉप वेरिएंट तक की बजट आप रखते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं एमराल्ड, सबसे बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में क्या है भाई, ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये आपको ग्रीन कलर के साथ मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो आपको टैंक पे ये जो क्रोम कलर दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा इसमें क्रोम का कलर इनबिल्ट किया है, इसकी वजह से ये सबसे महंगी है। लेकिन इसका जो इंजन है, इसका जो LED लाइट है, टेल लैंप है एंड इंडिकेटर है, बहुत ऐसे जो बदलाव नए किए गए, ये सभी चीज़ें आपको और भी बाइक में मिल जाएगी, लेकिन इसका जो कलर है क्रोम कलर, इसकी वजह से ये महंगा है, आप इसके साथ जा सकते हैं। देन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला बाइक, लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं स्टिल्ट ब्लैक को, आप इस पे जा सकते हैं, लेकिन हालांकि इसमें टोटल आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, जो क्लासिक 350 लिखा हुआ है ये भी आपको शायद देखने को कम मिलेगा, क्योंकि टोटल इसे ब्लैक बना दिया गया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टिल्ट ब्लैक क्यों आपको लेना चाहिए, क्योंकि टोटल जितने भी 11 कलर मैंने आपको दिखाए हैं, उन सभी कलर में आप सभी को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बाइक में अलॉयबल देखने को मिल जाएगा, इस वजह से ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। और इसकी प्राइस कितनी, हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सेम आपको यहाँ पे गन ग्रे भी देखने को मिल जाएगा, सेम उसी प्राइस में जिस प्राइस में स्टील ब्लैक देखने को मिलेगा। और ये जो गन ग्रे है, ये गन ग्रे में भी आपको अलॉयबल देखने को मिल जाएगी। इसके कलर से कुछ लोग हो सकता है कि इसे बुरा बोले, लेकिन ये कलर जो है मैट ब्लैक इसमें भी देखने को मिल जाएगा। और ये गन मेटल ग्रे को गन ग्रे के नाम से चेंज कर दिया गया, और इसमें टोटल नए बदलाव के साथ अभी आपके सामने लॉन्च कर दिया गया। आपके पास यदि मीडियम में बजट है तो आप इसे ले सकते हैं, अच्छी बाइक है।
अगर आपके पास थोड़ा सा और कम बजट है तो आप यदि 2.5 लाख तक या 2,70,000 या 2,60,000 से 2,70,000 के बीच में अफोर्ड कर सकते हैं, आप कमांडो सैंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है जिसकी वजह से लोग पीछे हो सकते हैं, इसका जो अलॉयबिल है आप आउटर से कहीं भी इसका मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, आप यहाँ पे फ्री हैं, करा सकते हैं। देन इसके बाद आपको मेडोलियम ब्रांच है जो आपको 2,50,000 से 60,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। जो पहले बाइक आती थी क्रोम ब्रांच, उसको बंद करके यहाँ पे मेडोलियम ब्रांच नाम दे दिया गया है। अब बात करते हैं लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा पसंद होना चाहिए। देखो भाई, यदि आप कम बजट में कोई बाइक लेना चाहते हो, आप मैं सजेस्ट सबसे ज्यादा करूंगा जोधपुर ब्लू के लिए। अगर आपको ब्लू कलर नहीं पसंद है, आप रेड जा सकते हैं, दोनों कलर सेम है, चाहे ब्लू लीजिए चाहे रेड लीजिए, दोनों कलर आपको सेम मिलेंगे, सेम फीचर्स मिलेंगे, सेम प्राइस मिलेगी। आप इसे मात्र 2,50,000 में विद एक्सेसरीज EWRSA के साथ इसे ले सकते हैं। यदि आप विदाउट एक्सेसरीज EWRSA लेते हैं, 2,30,000 से 35,000 के बीच में अलग अलग शोरूम पे आपको मिल जाएगी। और ये बाइक सभी को ले लेना चाहिए, बस इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगी, ये डुअल चैनल के साथ आती है, डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, और बाकी जो भी बनावट है ये आपको टॉप वारंटी कैटेगरी टिल्ट वाली बनावट इसमें देखने को मिल जाएगी। चाहे आप ब्लू ले लीजिए चाहे आप रेड ले लीजिए, सभी में आपको यही देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो सबसे कम प्राइस में बजट में पसंद करना चाहते हैं, तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ रेडिच रेड या हेलकन ब्लैक इनको, या हेलकन ग्रीन इसे भी ले सकते हैं। ये कलर नहीं पसंद है, आप रेडिच ग्रे ले सकते हैं। मतलब चार कलर आप सभी के सामने यहाँ पे मौजूद है जो सबसे कम प्राइस में है। यदि आप विदाउट एक्सेसरी लेंगे मात्र 2,20,000 से 25,000 के बीच में मिल जाएंगे, अलग अलग स्वरूप पे अलग अलग इसका प्राइस रखा गया है, तो बहुत ही सस्ता में ये देखने को मिल जाएगा। इसका जो फीचर्स है वो क्यों सस्ता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये सिंगल चैनल है, और जो आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा, डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, बस इसकी वजह से, और यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, इसकी वजह से ये सस्ता है। बाकी इसमें ऐसा कोई फीचर्स नहीं है जो टॉप वारंटी कैटेगरी वाला फीचर इसमें नहीं मौजूद है, बस इसमें अपडेटेड नहीं किया गया। जैसे इसका जो LED लाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, पायलट लैंप हो गया, ये सभी आपको हैलोजन में ही मिल जाएंगे। बाकी सभी आपको टोटल डिजाइन जो है वो आपको टॉप वेरिएंट की कैटेगरी वाला देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा हम लोगों को बाइक लेना चाहिए। फाइनली मैं आपको एक बार फिर से सजेस्ट करता हूँ, यदि आपके पास बजट है मात्र 2,70,000 से 80,000 तक आप जा सकते हैं, EMI बनवा सकते हैं, आप स्टिल्ट ब्लैक ले लीजिए या गन ग्रे ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों में आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगी। यदि इतना बजट नहीं है, जाहिर सी बात है आप जोधपुर ब्लू ले लीजिए या तो मद्रास रेड ले लीजिए, ये आपको अच्छी बाइक देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।